नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। इस फिल्म को बनाने की और जो विषय है बहुत संवेदनशील विषय है, तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? ये फिल्म का नाम है आसरा, और ये जो कहानी है एक पारिवारिक कहानी है जो कि पंजाब में अक्सर हर घरों में मोस्टली पाया जाता है कि जो आदमी होता है, ड्राइवर होता है, जो गाड़ी चलाते हैं, वो लोग मोस्टली ड्रिंक व्रिंक करते हैं, नशा करते हैं। तो ये एक खुशहाल परिवार में एक यही एक माइनस होता है कि वो ड्रिंक करता है। उनका अच्छा परिवार, उनकी वाइफ है, और दोनों अनाथ आश्रम में पले होते हैं, और वाइफ सिंगर होती है और अच्छा बच्चों को गाना सिखाती है एकदम खुश। तो उससे क्या नेगेटिव होता है, मतलब पीने से क्या नुकसान है? जो पीने से उसने मतलब बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, बच्चा एक पोलियो हो गया, तो उसको सबको संभालती है उसकी वाइफ, जन्नी नाम है उनका, जो हमारे किरदार है रानी चटर्जी ने बड़ा अच्छे से निभाया है। मतलब मैंने जितना सोचा नहीं था उससे, मतलब 100% उन्होंने अच्छा किया, और मैं बड़ा फख्र के साथ बोलता हूँ भाई हमारी हीरोइन है भाई बहुत अच्छा किया, बहुत इन्होंने अच्छा किया, और पंजाबी बहुत अच्छी इन्होंने बोली। तो इन्होंने बोला कि मैं ऑडिशन भी दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप पंजाबी बताइए। और इन्होंने एज एक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और यहाँ तक कि हमारे जो हीरो गुगू जी हैं, गुगू गिल जी, उन्होंने ऑलरेडी पंजाबी के स्टार सब हैं, पंजाबी पिक्चरें कर चुके हैं, उन्होंने काफ़ी बोला कि इतनी अच्छी पंजाबी, तो पहले तो उनको लगा पंजाबी लड़की है, तो मैंने बोला भाई ये है ही पंजाबी, अभी पंजाबी नहीं, नहीं पंजाबी बनी है तो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस पंजाबी पिक्चर का? ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा पहले तो नर्वस थी, क्योंकि पंजाबी पहली फिल्म थी, पंजाबी लैंग्वेज मुझे नहीं आती, बट आपने जितनी मेहनत की, पूरी टीम ने जितनी मेहनत की, सिखाया मुझे, हर एक एक डायलॉग के मीनिंग्स मुझे बताए, तो मेरी भी हिम्मत हुई कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो बस बहुत बहुत मज़ा आया, और मतलब चन्नी जिस तरह का किरदार है या जो स्टोरी है, अपने आप में एक बहुत ही दमदार किरदार है चन्नी, उसको निभाने के लिए आपने मुझे चुना, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। आपको अमृतसर जाके कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत खाया वहाँ खाना कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा अमृतसर, मुझे जब भी मौका मिलेगा दोबारा। आधे सरदार तो पागल हो गए कि रानी चटर्जी, रानी कम रानी, रानी वो रानी या रानी वो रानी अपनी रानी है, तो उधर रानी को रानी बोलते हैं, तो हमारी रानी भी रानी बन गई वहाँ पे, और बड़ा अच्छा किया, बहुत मजा आया वहाँ पे। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ऑडियंस बहुत अच्छी है, जहाँ मैं रुकी थी वहाँ पर भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, मतलब एक घर जैसा माहौल था मेरे लिए। इस वजह से शायद मैं और अच्छे से पंजाबी बोल पाई, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बिल्कुल अलग तरह जगह से एक नई जगह गई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और माहौल पूरा पंजाबी में, जैसे पंजाबी बोलना हमको, मैंने बोला सत श्री अकाल बोलो, ये हाँ माहौल तो वही था, और मैं कोशिश करती भी थी कि मैं थोड़ा बहुत सीखूं पंजाबी, और मैंने काफ़ी हद तक, मुझे लगता है 80% अब मुझे समझ में आने लगी है पंजाबी, तो और दो तीन फिल्में वो करूँगी तो मैं एक्सेंट भी मुझे आ जाएगा। सत श्री अकाल करेंगे, मतलब निर्देशन के आपने पंजाबी में कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो भोजपुरी फिल्म बन रही है, पंजाबी फिल्म बन रही है, तो कुछ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से सबक सीखना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री को? यही रहना चाहिए, हमारी क्या कमियां हैं, कहां पे हम लोग गलती कर रहे हैं, इसको सुधारना चाहिए। आज पंजाबी का बहुत अच्छा, पंजाबी का आज बहुत अच्छा मार्केट है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा अच्छा है, कभी कभी वो अभी यहाँ गलतियाँ होती हैं तो वो चीज़ें खराब होती हैं, बस वही चीज़ें उनको तो संभालना चाहिए, और फिर अभी हम लोग इसका बैकअप करते हैं, क्योंकि अभी आगे पिक्चर देखनी है सबको। हाँ, फिर एक्चुअली में फिल्म अभी देखनी चाहिए आपको, बहुत मजा आएगा। परफॉर्मिंग हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, उनका हाँ प्रोड्यूसर साहब हाँ नहीं
ये दूसरी पिक्चर है, एक हिंदी उससे पहले पिक्चर बना चुका हूँ, कोटे नंबर 1303। वो अभी आई नहीं, अभी उसको भी रिलीज करनी है, उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट मेरा पंजाबी का है। क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ, अच्छा, तो पंजाबी मूवी तो चाहिए मेरे को बनानी। क्या बात, कब तक रिलीज कर रहे हैं? रिलीज बस जल्दी रिलीज हो जाएगी, बस ये जुलाई या अगस्त में हो जाएगी रिलीज। कहानी तो इमोशनल है, बाकी ये स्टोरी मैं अभी नहीं बता सकता। टाइटल आसरा, तो हिंदी टाइटल है आसरा, आसरा नहीं, पंजाबी में भी आसरा होता है, रब दा आसरा। इसमें एक इमोशनल स्टोरी है, इसमें दिखाया गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसको भी कोई ना कोई आसरा मिल जाता है। ठीक, आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए और क्या कहना चाहेंगे? आज के दौर में जो पंजाबी फिल्म्स हैं उनका जो मार्केट है, जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसको लेके, मतलब व्यूअर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को? देखो भैया, हमारे जो डायरेक्टर है मिस्टर बाली जी, उनसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। धरती पुत्र मेरी उन्होंने डायरेक्ट की थी, जिन्हें वो एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, मैं प्रोड्यूस किया था पिक्चर। और वो आदमी अच्छे डायरेक्टर है, जब वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि ये सब्जेक्ट ऐसा ऐसा है, इमोशनल है, फैमिली की कहानी है, उसमें आपके 5-6 सीन्स हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये सीन्स करें, क्योंकि वो राजपूत दिखने चाहिए थे पगड़ी बगड़ी बांध के। तो बोला ठीक है, उन्होंने मुझे एक थॉट सुनाया, मुझे थॉट बहुत पसंद आया, और उन्होंने बताया कि ये सारी ये पिक्चर जो भी लैंग्वेज में बनी है ज़बरदस्त चली है, अच्छा बिजनेस किया है। और राजकुमार जी हमारे प्रोड्यूसर है और बहुत बढ़िया नेक इंसान है राजकुमार जी, दोनों की टीम इतनी अच्छी है कि मैं पंजाब गया था शूट करने, और जब आज मैंने पिक्चर देखी फर्स्ट हाफ, तो मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी। और दिल से बोल रहा हूँ कि पिक्चर और पिक्चर से अलग है, इसमें रैप नहीं, ये नहीं, ड्रग नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, एक प्योर एकदम फैमिली ड्रामा है, जो एक फैमिली के घर पे 3 बच्चे की माँ है, उसका पति दरोड़ा है, दारू पीता है, और एक विलन है जो महेंद्र गुलाटी, जो अपनी जगह लेने के कैप्चर में है, और कैसे कैसे इमोशनल। अभी सेकेंड हाफ में और भी पिक्चर इंटरेस्टिंग होगी, आई डोंट वांट टू ओपन द स्टोरी, जब आप देखोगे। और मेरा दिल बोलता है कि मैंने जब पिक्चर की कहानी सुनी मजदूर थे फिल्म, और मैंने बाली जी को, मैंने जो भी बाली जी आप मुझे बोलना, कितने तारीख देना है, कितनी डेट्स पे, कब आना है, कहाँ जाना है, दर्शन। और फिल्म में अभिनेत्री तौर पे रानी चटर्जी जी जुड़ी हुई हैं, और गायिका हैं जसपिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में कि गाना पक्ष कितना मजबूत लगा? गाना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, ओपनिंग का गाना भी अच्छा लगा, गोल्डन टेम्पल को भी बहुत अच्छा मुझे इन्होंने प्रेजेंट किया है, और म्यूजिक पिक्चर का बहुत अच्छा है, और सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी है। सेटिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, घर अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, सिंगर अच्छे हैं, एक्टर है, गिगू जी है, रानी जी है, सब ने काम अपने दिल से काम किया। देखो जब कोई एक टीम जीतती है तो जीतने में सारे लोगों का की भूमिका स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे लाइट बॉय हो, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो। जब पिक्चर चलती है तो श्रेय सबको मिलने चाहिए। आज आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोग जब इंटरव्यू छापोगे और जब आपको पता चलेगा पिक्चर चली है, तो आपको भी एक सीना चौड़ा हो जाएगा, बोला हाँ भाई हमने पिक्चर का इंटरव्यू लिया था जब हमने पिक्चर देखी थी। और आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं? नहीं, अभी मेरा अभी चल रही है अभय सेना की 2 पिक्चर फ्लोर पर जा रही है मेरी, लंदन में शूट कर रहा हूँ और उसी में मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, और चल रहा है एक्शन, चल रहा है टीवी सीरियल, चल रही है टीवी सीरियल थोड़ा कम कर दिया मैंने, इट्स गोइंग ऑन, शो शुड बी गो ऑन। पर आज के दौर में जो एक्शन सीक्वेंस होते हैं खासकर बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो कितना आप लैक समझते हैं वो? देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पहले भी कहता था, अभी भी कहूँगा और आगे आने वाले दिन में भी यही बताऊँगा कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी चीज़ ही चलेगी। तुम कितना भी फॉरन के एक्शन डायरेक्टर बुला लो, कितने भी तुम खर्चा कर लो, लेकिन जो हिंदुस्तानी चीज़ जो मैंने इस्टेब्लिश किया है, अभी आपने एक्शन देखा ना पिक्चर में, कैसा लगा आप लोगों को? एकदम नेचुरल था ना, एकदम अच्छा था, बच्चे को उड़ाना, फाइट, एक्शन, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी चीज़ ही चलेगी, ये आप मान के चलो। चाहे तुम कितना खर्चा करो अंग्रेजों के लिए, ये करो करो, क्या कुछ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। मेरी पिक्चर उठा के देख लो, गदर, बॉर्डर, वीर, सारी चीज़ें देखो, डर, सारी बड़ी बड़ी पिक्चर है, अग्निपथ, खुदा का वास, जिद्दी एक्शन पे ही चली थी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.